तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हर एक देश की इकॉनमी गिरती जा रही है, जीडीपी घटती जा रही है, नेगेटिव में हो चुकी है और इस चीज को एनकाउंटर करने के लिए एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज की जरूरत थी जिसका अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को किया। ये हमारे देश की जीडीपी का तकरीबन 10% हिस्सा है, 20 लाख करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है, 20 पे 12 जीरो, बहुत बड़ी रकम। अब इस 20 लाख करोड़ के फंड को कैसे एलोकेट करना है, कौन से सेक्टर को एलोकेशन होनी है, इस चीज का क्लैरिफिकेशन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किए गए। निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर हर अगले दिन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन किया जाएगा। 13 मई को उन्होंने बताया कि 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दिए जाएंगे, अगेन बहुत बड़ी रकम। अब एक स्मॉल टैक्स पेयर, एक सैलरीड एम्प्लॉय के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ना तो मेरे पास एमएसएमई है, ना मेरे पास कोई बिजनेस है, तो मेरे लिए क्या है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। तो चलिए इस 5 मिनट की वीडियो में समझते हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए क्या क्या लेकर के आया है 20 लाख करोड़ का पैकेज। तो जो चेंजेस किए गए हैं उन्हें हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक वो चेंजेस जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है और एक वो चेंज जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। तो पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं। तो एक जो चेंज किया गया वो है आईटीआर की ड्यू डेट्स का, और दूसरा चेंज जो किया गया वो है टीडीएस के रिगार्ड में। पहले बात करते हैं ड्यू डेट्स के रिगार्ड में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक सैलरीड एम्प्लॉय के केस में या एक प्रोप्राइटर के केस में या स्मॉल टैक्स पेयर के केस में 31 जुलाई होती है ड्यू डेट। यानी अगर हम इस केस की बात करें तो अगर आपने कोई इनकम ऑन करी है 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 30 मार्च 2020 के बीच में, तो आपको जनरली 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए थी, लेकिन हालात अच्छे नहीं है इसलिए एक्सटेंशन दी गई, और एक्सटेंशन कितने की, 4 महीनों की। और अब 31 जुलाई वाली जो डेट थी वो एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दी गई है, यानी 4 महीने की एक्सटेंशन बिना किसी पेनल्टी, बिना किसी एडिशनल चार्जेस के आप अपनी आईटीआर इत्मीनान से भर सकते हैं। बता दूं आपको कि वैसे भी अभी तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो इस साल का फॉर्म है, जो आईटीआर फॉर्म होने वाला है, वो प्रिस्क्राइब नहीं है। आप जानते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं आईटीआर फॉर्म्स में, कभी उनके नाम में भी चेंजेस आते हैं, आपने देखा होगा सरल, सहज, सुगम और भी बहुत सारे चेंजेस रहे। तो अभी तक इस साल के लिए आईटीआर फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं, जो कि एक्सपेक्टेड है 31 मई 2020 तक ये आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर मिल जाएगा। तो ये तो था सैलरीड एम्प्लॉय के केस में। बात करते हैं कि ऑडिट वाले केसेस में आईटीआर में क्या एक्सटेंशन है। तो वो केसेस जो कि ऑडिट रिक्वायर्ड है, यानी ऑडिट वाले केसेस के लिए 1 महीने का एक्सटेंशन है, ये आईटीआर जनरली 30 सितंबर तक फाइल कर देनी होती थी, अब इसमें 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और अब 31 अक्टूबर तक आप अपनी टैक्स ऑडिट वाली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ये तो था ड्यू डेट। अब बात कर लेते हैं कि टीडीएस के लिए क्या चेंजेस हैं। टीडीएस में भी एक मेजर चेंज आया है, रेट कट्स हुए हैं, यानी टीडीएस की जो रेट्स हैं उसमें कटौती की गई। अब इसे समझते हैं। सो टीडीएस भी अगेन 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक वो टीडीएस जो कि सैलरीड एम्प्लॉय के केस में होता है और एक अदर देन सैलरीड पेमेंट का केस। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए कोई चेंज नहीं है, यानी जैसे आपका टीडीएस पहले कट रहा था वैसे ही कटता रहेगा। यानी आपने एक इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन अपने ऑफिस में दिया होगा, उस इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन के बेसिस पे आपके एचआर ने एक आपका प्रोफाइल बनाया होगा, एक सर्टेन स्लैब रेट होगा, उस स्लैब रेट में आप फॉल कर रहे होंगे और आपके टीडीएस वैसे के वैसे ही कटते रहेंगे। बात कर लेते हैं अदर देन सैलरीड पेमेंट की, यानी रेंटल्स हो गए हैं, प्रोफेशनल फीस हो गई, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, यहां एक मेजर चेंज आया टीडीएस के रिगार्ड में। गवर्नमेंट ने 25% का रिडक्शन किया, यानी पहले अगर आपका टीडीएस इन क्लासेस में रेंटल्स, प्रोफेशनल फी, ब्रोकरेज, कमीशन या और भी अदर देन सैलरीड पेमेंट्स के केसेस में जो टीडीएस था अगर 100 रुपए कटता था तो अब वो 75 रुपए कटेगा। आपकी इन हैंड लिक्विडिटी 25% से बढ़ जाएगी। बहुत ही रिक्वायर्ड स्टेप था, एक अच्छा मेजर चेंज है टीडीएस के रिगार्ड में। एक चीज और ऐड कर दूं कि ये जो रेट कट्स हैं टीडीएस में ये 30 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल है, इसके बाद फिर से वही पुराना टीडीएस का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो थे चेंजेस आईटीआर ड्यू डेट्स और टीडीएस के रिगार्ड में। प्रोविडेंट फंड के केसेस में क्या क्या चेंजेस हैं, तो प्रोविडेंट फंड के केसेस में जो चेंजेस हैं हम उन्हें 2 क्लासेस में देख लेते हैं। एक वो एम्प्लॉय जो पीएमजीकेवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कवर्ड है। कौन है वो एम्प्लॉय जो कि पीएमजीकेवाई में कवर्ड है, तो ये वो एम्प्लॉयज हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन में 100 से कम लोग काम करते हैं और यहां काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 से कम है।
तो इन एम्प्लॉयज के लिए पहले भी एक नोटिफिकेशन थी, और वो नोटिफिकेशन ये थी कि मार्च, अप्रैल और मई इन तीन महीनों की कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी 12% एम्प्लॉय का और 12% एम्प्लॉयर का, ये दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट बियर कर रही थी। अब इसमें एक और एक्सटेंशन मिल गई है, एडिशन मिल गई है, और अगले तीन महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त की कॉन्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट बियर करेगी। सो 24% की कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीने तक गवर्नमेंट बियर करेगी। तो ये तो वो एम्प्लॉयज के लिए जो पीएमजीकेवाई में कवर्ड है। बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज, अदर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए क्या चेंज है। तो अदर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए 2% की रियायत है, यानी जो कॉन्ट्रीब्यूशन 12% की हुआ करती थी वो कॉन्ट्रीब्यूशन अब 10% की हो गई है। एक चीज और पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो 2% की रिलैक्सेशन है ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज या पीएसयू में काम करने वाले लोगों के लिए ये रेट कट्स एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था चेंज सैलरीड एम्प्लॉय के केस में, ये था 20 लाख करोड़ के पैकेज में एक सैलरीड एम्प्लॉय या एक स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कंसर्न हो तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो जब तक हम किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।